हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट टाइम डॉक्टर वंस अगेन। कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज फाइन। सो होप अपने घर पे होंगे। लॉकडाउन 4 ठीक से चल रहा होगा। कुछ कुछ खुल गया तो ध्यान बरतें हैं। और जिसने मेरा अभी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखें। उसमें मैंने बताया कि मास्क को हर टाइम पहनने की ज़रूरत नहीं है। कब कब पहनना है तो वहाँ जाके देखें, मैंने कार्ड्स पर भी दे दिए। तो ये वीडियो है खासकर M30S का सिग्नल प्रॉब्लम को लेके। बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई साहब इसमें अपडेट को छोड़ो, परे शुरुआत से ही आ रहे हैं काफ़ी। तो पहले मैं सोचता था कुछ सिम का प्रॉब्लम है, कुछ ये है। मैंने काफ़ी सुझाव दिए अपनी नॉलेज के हिसाब से, शेयरिंग करी। स्टिल अभी भी अब अपडेट 10 के बाद भी काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं रिगार्डिंग जी हमारा सिग्नल अपडेट नहीं, मतलब सिग्नल नहीं मिलता, फ़ोन में प्रॉब्लम है, सिग्नल में प्रॉब्लम है। सेम चीज़ अब दो तरह की बातें हैं। लोग कह रहे हैं, एक अगर सिर्फ टावर को देख के आप अगर ये बोल रहे हैं कि जी हमारा जो टावर है इसके अंदर टावर एक जगह पर, सपोज इसमें दो डंडे आ रहे हैं तो सेम सिम आपने किसी और फ़ोन में डाला उसमें आपको तीन डंडे दिख गए। अगर आप ये टावर का उस पर देख रहे हैं तो वो गलत है, वो मैं आपको कर देता हूँ। पहली बात तो ये है, अगर एक्चुअल में ही आपका अगर ऐसा सिनेरियो है कि बात करना प्रॉपर कि आपने इसमें बात करी, सिग्नल कट रहा था, आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी, उसी टाइम पे दूसरे फ़ोन में सेम सिम से बात की, उसमें अच्छी बात हुई, तब आपके फ़ोन की प्रॉब्लम है, अगर सिम भी आपका नया है तो। और अगर ऐसा है सच में, काफ़ी लोगों को ऐसा फेस हो रहा है, टावर की बात मत करें, डंडे जो होता है ना, डंडे देखते हैं यूजली, हमारी आदत रहती है, हम यहाँ सिग्नल के डंडे देखते हैं। अच्छा जी, दो डंडे हैं, कम है सिग्नल, हाँ जी बहुत। तो इन डंडों के ऊपर सिग्नल को मत क्वांटिफाई करें, मत मापें कि हमारा इसके अंदर हम जब सिम डालते हैं तो एक डंडा आता है और कोई और फ़ोन उठा लिया उसी टाइम पे उसमें तीन डंडे आ गए, तो इसमें अच्छा सिग्नल आ रहा है, इसमें बेकार सिग्नल आ रहा है। सिग्नल को वही लोग, अब मैं ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया कि इस वीडियो को आप सभी लोग जिनको ये प्रॉब्लम है सिग्नल को लेकर, सैमसंग M30S में स्पेशली, कि आपको सिग्नल का प्रॉब्लम है और इस तरह का प्रॉब्लम जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको आवाज़ कट जाती है, फ़ोन नहीं लगता है, सिर्फ डंडे नहीं देखने हैं, टावर नहीं देखना है। जेन्युइनली अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम है, आपको बात करने में प्रॉब्लम आती है, फ़ोन कट जाता है, आप एक जगह पर कर रहे हैं उसके बाद वही सिम से आपने दूसरे फ़ोन में किया तो बात हो गई, अगर ऐसा प्रॉब्लम फ्रीक्वेंट आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में लिखें ताकि ये बात, ये मैसेज सैमसंग तक पहुँचे कि यस अगर ये चीज़ है। और जिनको नहीं भी प्रॉब्लम है, जैसे मुझे, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, एक दो कमेंट्स ऐसे भी आए, तभी मैंने ये वीडियो बनाया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को इस फ़ोन में कोई सिग्नल प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये कमेंट्स आ रहे हैं सिग्नल को लेके, तभी मैंने ये वीडियो बनाया कि सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम देखें, अगर टावर का क्या क्या कर रहे हैं तो वो गलत है, पूरा प्रॉपर चेक करें फ़ोन को कि अगर आपके फ़ोन में सिग्नल प्रॉब्लम है तो सिम निकाल के किसी और फ़ोन में देखें और फिर बात करें। बातचीत में प्रॉब्लम है तो सिग्नल प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ डंडों के ऊपर सिग्नल नहीं चलता। आपका बेसिकली मकसद क्या है, बात होनी चाहिए, फ़ोन मिलना चाहिए, आवाज़ रिसेप्शन अच्छी आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं और दूसरे फ़ोन में आ रही हैं उसी सिम से उसी जगह पर, तब प्रॉब्लम है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम जिसके पास है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना ये भी बताएं कब आपने फ़ोन लिया, कब से प्रॉब्लम आ रही है, ताकि ये मैसेज का जितने आप कमेंट्स करेंगे YouTube इसको ज़्यादा फैलाएगा और अगर ये ज़्यादा वायरल काफ़ी तादाद में हो जाता है तो डेफिनेटली सैमसंग तक ये मैसेज पहुँचेगा कि आपके M30S में कोई सिग्नल का प्रॉब्लम है। और अगर आप दोनों लोगों को मैं कह रहा हूँ जिसको नहीं प्रॉब्लम है तो वो भी लिखे ताकि पूरा क्वांटिफाई हो सके कि किस तादाद में ये प्रॉब्लम है, कि या कुछ ही सेट्स में ये प्रॉब्लम है। तो अगर ये ज़्यादा तादाद में है तो डेफिनेटली सैमसंग इस पर कोई एक्शन लेगा, क्योंकि अगर 10 में से 9 को ये प्रॉब्लम है और एक को नहीं है तो डेफिनेटली सैमसंग विल टेक एक्शन, सैमसंग कंपनी जो है एक्शन लेगी। ऑन द अदर एंड ये होगा तभी जब आप इस पर एक्ट करेंगे, मेरे अकेले कहने से नहीं होगा। तो ये मैंने आपके हित में वीडियो बनाया ताकि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है एज ए आपका, आप कह सकते हैं कि आपकी सबकी तरफ से मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आप लिखें कमेंट्स में कि इस तरह का प्रॉब्लम मैंने अब क्लियर कर दिया है, सिर्फ टावर के ऊपर नहीं, पूरा अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है सिग्नल की सैमसंग M30S में तो लिखें, अगर बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है, बिल्कुल मस्त चल रहा फ़ोन, तब भी लिखें,
तो ये मेरी रिक्वेस्ट है ताकि ये वीडियो का जो मैसेज है वो स्ट्रांग हो सके और सपोर्ट हो सके आप लोगों की। मैं अकेला ही नहीं कह रहा, दिस इज जस्ट ए वीडियो कि मैसेज पहुंचे आगे। फैलाएं इस वीडियो को और जिस कोई प्रॉब्लम है वो इसमें ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करेंगे तभी वीडियो का जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग होगा, यूट्यूब भी इसको प्रमोट करेगा, क्योंकि ये एल्गोरिदम है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जितने कमेंट्स ज़्यादा होते हैं वीडियो पे, या लाइक्स भी जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, लाइक और कमेंट्स की वजह से वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट किया जाता है। और ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस के पास जाएगा और सबका अगर कोई प्रॉब्लम है जेन्युइन तो वो नीचे लिख पाएंगे और ये फ्री मैसेज ज़रूर सैमसंग तक पहुँचेगा। और मैंने आपको फिर से बता दिया, केवल टावर की लोकेशन पे आपने डिसीजन नहीं लेना है, प्रॉपर चेक करना है। एक जगह पर बात कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे फ़ोन में अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तभी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, अदरवाइज इसको प्रॉब्लम मत माने। तो ये एक सिंपल सा एक मैंने सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे सिग्नल के ऊपर, तो होप दिस सोल्यूशन विल वर्क। तो सर आपने करना क्या है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ड्रोन्स और टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सोल्यूशन सब जो मेरे पास नॉलेज है। और लाइक कर दें इस वीडियो को, शेयर करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर करें नीचे कि आपको सिग्नल प्रॉब्लम M30S में जैसे मैंने बताया वैसी है, तब भी लिखें। अगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तारीफ़ करें ताकि प्रॉपर पता लग सके कि क्या स्टेटस है पूरे इंडिया में। थैंक यू वेरी मच, होप आपको पसंद आएगा वीडियो, और थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट, स्टे सेफ, जय माता दी।